इस बार हमने सोचा कि ये एक चीज होनी ही चाहिए, तो इसीलिए आ गई हमारी लिमोजिन और मौसम बहुत माइंड ब्लोइंग है। अभी जल्दी से चलते हैं ड्राइव के लिए और फिर जाएंगे बुर्ज खलीफा। ओके सो हो गई है लिमोजिन की ड्राइव। आज वो थोड़ी छोटी थी क्योंकि हम लोग निकलने में लेट हो गए क्योंकि रूहान जो है बहुत रो रहा था, लेकिन ठीक है, मज़ा आया। इसमें हमेशा मज़ा आता है। रूहान थोड़ा सा वो अंदर से थोड़ा डार्क थी ना, हाँ नींद में भी था, नींद में सोया नहीं था बिल्कुल भी, लिमोजिन में ही लिमोजिन में सीट लेके बस सो गया तुरंत एकदम फटाफट से सो गया। और अब हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल और हम जा रहे हैं बुर्ज की एंट्रेंस की तरफ। आज भी मेरा फुल प्लान है, फुल इंटेंशन है कि मैं वापस आते हुए योगर्ट लैंड जरूर खाऊंगी। कल वाला बहुत अमेजिंग था, आज भी खाई। तो मैं ये कह रही थी कि मैं प्लान तो बहुत कर रही हूँ इस ट्रिप पे, लेकिन पूरा सिर्फ वो हो पा रहा है जो रूहान अलाउ कर रहा है। और फिर हम चल दिए बुर्ज की एंट्रेंस की तरफ और वहाँ बैगेज काउंटर पे हमको स्ट्रोलर छोड़ना पड़ा, इसलिए हमने एक ही बैग लिया जिसमें रूहान की ज़रूरत का सामान जो है वो हमने डाल लिया। और ये देखिए ये उठ गया। कहाँ जा रही हो? बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हो? आपको पता है बुर्ज देखने जा रहे हो? बुर्ज देखने जा रहे हो आप? भीड़ काफी ज्यादा थी इसलिए ये थोड़ा सा फिर से परेशान होने लगा था, तो मैं इसे यहाँ सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये फर्स्ट लिफ्ट, इसका फील इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है ना, पूरा कलर वगैरह सब कुछ। एंड नाउ फाइनली द सेकेंड लिफ्ट फ्रॉम द 125th फ्लोर टू टॉप 154th। हाय बेबी, यू रीच द 154th फ्लोर। इधर गया। पता नहीं एकदम से बहुत सारे इमोशंस, बहुत ओवरवेल्म हो गई थी मैं। यू नो लास्ट टाइम हम लोग आए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने और आज हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रूहान के साथ, और रूहान इतना खुश था यहाँ आके, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आ गए हम बुर्ज के 154th फ्लोर पे और मुझे ना ऑनेस्टली मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि कहीं ये बहुत बुरी तरीके से रोने ना लगे, क्योंकि सीजन टाइम चल रहा है तो हर जगह थोड़ा सा क्राउडेड है, तो मुझे लाइन में खड़े होना पड़ता है ना, दैट टाइम आई वाज रियली वरीड। पर ही मैनेज वेल एंड इस वक्त यहाँ आते ही जैसे ये बैठा है, देखिए इसको, ये देखो सेल्फी खिंचा रहा है ये। हाँ कहाँ आए हो? बुर्ज के टॉप पे आए हो? रियली? और फिर इसी तरह काफी देर तक इसने यहाँ बैठकर अपने अंकित चाचू के साथ खूब मस्ती की। कह रहा है जब आप लोग खा रहे हो तो मैं क्यों?
मैं भी पूछ के बैठ खाऊंगा। एंड ये देखिए दुबई का व्यू, वाओ। यहाँ पे जो टेरेस है वहाँ से इतना ब्यूटीफुल हो लगता है और इतना अच्छा फील होता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। द बेस्ट पार्ट ऑफ बीच, सच में यहाँ आगे लगता है। हो गया भुर्ज और हम अब यहाँ बैठे हैं कुछ खाने के लिए और ये एज यूजुअल कैमरा में देख के अपने बाल सवार रहे हैं। लेकिन आज मज़ा आया, आज बहुत मज़ा आया जेन्युइनली। आज सुबह जब मैं बाहर खड़ी थी ना, जब मैं ब्रेकफास्ट करी थी आप बैठे थे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं आज बोलूँगी कि मज़ा आया, क्योंकि आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। जिस तरीके से हमारे लास्ट शो दिन पीते हैं आज सुबह से, ये बहुत उसका मूड नहीं था या कुछ चीज़ें थी या उसको पेट में तकलीफ थी, कभी कभी हो जाता है वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। बट आज उसने जो एंजॉय किया है ना आने के बाद भुर्ज में, अरे बाप रे बहुत मज़ा। मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि उसे पता है कि वो कोई एक अट्रैक्शन में आया है और उसने इतना मज़ा किया है, चीखा है, चिल्लाया है, वो एक चेयर पर बैठ के जोर जोर से उसने चिल्लाया है, मस्ती की है। हम बाहर जब टेरिस पर गए तो वो बहुत खुश था देख के, तो आई फेल्ट वेरी नाइस, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फिर बस नीचे आते हैं, वो लिफ्ट जब ज़ोर से नीचे आती है तो उसमें शायद उसका कान डूब गया, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अभी जो है सो गया आराम से। तो अभी हम जल्दी से यहाँ खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब वो उठेगा तो उसके मूड पे है, फिर डिसाइड करेंगे कि मैं यहाँ रुकती हूँ या रोज़ की तरह मैं चली जाती हूँ। और ये सबसे पहले आगे मेरे फ्रेंच फ्राइज। आज हम वाफी में ना आके यहाँ पे एक दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ आए, जो भी बहुत प्रिटी है। खाना कैसा है बताते हैं, वाफी गौरमे का खाना है। तो अगर आप डाउनटाउन आ रहे हैं और अगर आपको यहाँ का कुजीन जो है वो अच्छा लगता है, लाइक हुमस, पिटा ब्रेड एंड एवरीथिंग, तो यू हैव टू मतलब दुबई में वाफी गौरमे आपके टू डू लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर मैंने अब तक नहीं खाया। बहुत माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे। गुड मॉर्निंग जानू बेबी, हाय। अरे बाप रे, आइज भी धूप आ रही है। अभी दिखाओ आइज दिखाओ। आज है फोर्थ डे एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा हम कुछ अगर मिस करेंगे हम दोनों, तो वो मॉर्निंग में उठ के यहाँ बैठना है ना रोहन, हम ये मिस करेंगे ना। इसको भी अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह आके उठ के बैठना। और इस ट्रिप का मेरा, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, इस ट्रिप की मेरी अचीवमेंट, रोहन ने टोपी पहनी, रोहन ने वुलन वाली टोपी पहननी शुरू कर दी। माशाल्लाह विद एवरी डे ही सेटलिंग डाउन एंड ही इज एंजॉयिंग, और इसको मजा आ रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम जाएंगे स्काई व्यू। आप हमें कुछ नहीं करेंगे, आप हमें बैठ जाएंगे चेयर लेके, है ना? ओके और हम लोग रेडी होके निकल गए आज स्काई व्यू जाने के लिए। हाँ, कहाँ चल रहे हैं हम? बाहर घूमने। ओ देखो व्हील्स, देखो व्हील्स। नीचे देखोगे तो हो रहा है, नीचे देखो थोड़ा सा, नीचे देख के वो हो रहा है अभी ऐसे। तो मैं वो बोल रहा हूँ, अभी वाले पे आओ। पेट में कुछ रहा है।
यहाँ जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ग्लास पे इतना आपको ऐसे लगेगा अरे इसमें क्या है, दिस इज नॉट स्कैरी, लेकिन जब वहाँ आप ऐसे वॉक करो ना नीचे देख के, तो जेन्युइनली वो स्टमक में बटरफ्लाई वाला मोमेंट होता है एंड इट्स फन, लाइक इट्स अमेजिंग। और फिर यहाँ पे कुछ अच्छी फोटोज़ तो बनती हैं, तो मैं बैठ गई यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए। और अगर मेरी अच्छी फोटोज़ लेनी हो तो वो कौन लेता है, हमेशा शोएब। एंड रूहान की इन सब जगहों पे पहला एक्सपीरियंस है, पहली ट्रिप है, तो भले उसे ना समझे पर हमारे लिए मेमोरीज़ क्रिएट करना तो बनता है। और ये मेरा एक फेवरेट शॉट हमेशा की तरह। हाँ जी, मज़ा आया स्काई व्यू में भी, मज़ा आया आपको? बड़े मज़े से ये इसने बैठ के वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाई है। एंड अच्छा एक्सपीरियंस है, पहले लगता है कि क्या ग्लास पे चल रहे हैं, थोड़ा डर लगेगा, बट जब आप उस पर स्टेप करते हो तो इट्स ऐसे लगता है ओह हाँ अच्छा है, इट्स नाइस अमेजिंग। अभी स्लाइड का भी है लेकिन स्लाइड की लाइन बहुत है तो मैं तो स्लाइड में नहीं जा रही। अब ये तीनों देखो जाते हैं नहीं जाते हैं, इनका क्या मन बन रहा है पता नहीं। हम अभी जाएंगे और कुछ खाएंगे और इसको कुछ खिलाएंगे क्योंकि इसको बहुत भूख लगी है। चलो 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 चलो। और फिर वहीं पे एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ आके बैठ गए। और यहाँ बगल में ही स्लाइड था। और ये रहा रूहान का फूड और ये रहा मेरा स्मूदी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बट द फूड वॉज़ वेरी गुड। तो हमने अच्छे से अपना फूड इन्जॉय किया। हम सब खा रहे हैं, रूहान भी खाएगा ना? रूहान को ये खाना अच्छा लगा? रूहान को खाना अच्छा लगा? रूहान डिड यू एंजॉय? यू डिड, यू एंजॉयड अ लॉट। स्काई व्यू पे हमने बहुत इंजॉय किया। एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम वहाँ इतने टाइम रुकेंगे नहीं, पर हम बहुत देर वहाँ बैठे। एंड मेनली रूहान ने आज और ज़्यादा इंजॉय किया, वो बहुत हैप्पी जोन में था, चुप था, मस्त अपना यहाँ वहाँ देख रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। एंड बस अब हम निकले हैं, अब हमने सोचा इतनी जल्दी होटल जाके क्या करें, तो इसलिए हम फिर से अपने फेवरेट दुबई मॉल जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा टहलेंगे। आई थिंक दुबई की सबसे डाउनटाउन की सबसे अच्छी चीज़ जो हम वहाँ जाके बहुत याद आती है इज़ द स्ट्रीट। ये इतनी ब्यूटीफुल जो स्ट्रीट है जो हमेशा लिट अप रहती है इस तरीके से लाइट्स वगैरह से, ये बहुत याद आता है, ये पूरा फील बहुत याद आता है। वहाँ पे थे हम ऊपर, मतलब मैंने जस्ट आप लोगों से बात करना ख़त्म किया और एकदम से नज़र पड़ी कि अरे हम तो वहाँ थे। खूब मस्ती किया, खाया पिया और अभी आराम से मस्त से सो गए पापा की गोदी में। ओके, सो परसों जब मैं घर जा रही थी और जब शोएब मेरे लिए कुकीज़ लेके आए थे तब शोएब मेरे लिए यहाँ से चॉकलेट्स भी लेके आए थे, क्योंकि मुझे ना बाहर से इनके बोर्ड पे चॉकलेट्स की जो पिक्चर दिखाई दी थी ना ये मुझे बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, तो मैंने शोएब को कहा था शोएब मेरे लिए लेके आना। तो शोएब हैड गॉट अ फ्यू, लेकिन आज रूहान भी सो रहा है और हम यहीं से गुजर रहे थे तो मुझे और लेंगी, तो मैं बोला कि मैं खुद ट्राई करके लूँगी। एंड दे आर यम। तो मैंने कौन कौन सी लिए, मैंने लिए हेजलनट डार्क, मैंने लिए आलमंड डार्क एंड मुझे थोड़ी और टेस्ट करवाई है, ये ऑरेंज आलमंड डार्क मैं लूँगी। मैं चॉकलेट्स को देख के इतना पागल कभी नहीं हुई, पर ये बहुत यम है। और एक मैं लूँगी ब्लैकबेरी डार्क, और कौन सी लेंगी शोर बस ना, ओके डन, लिमिटेड एडिशन स्ट्रॉबेरी। Very nice.
but I like this more. Yes, this is one of our best sellers. Oh yeah, this the is the combination yum. Is like dark, sweet and sour. So I think this half. How do you pronounce the name? Ladara. Ladara. I've eaten so many chocolates already. So yes, यहाँ आके I don't know why, but for the first time ever, I went mad behind chocolates. मैं इतनी chocolates के लिए पागल कभी नहीं हुई, but genuinely बहुत ही amazing chocolates हैं. और ये variety भी एक रखी हुई है और एक वो flat जो मैंने खरीदी वो भी रखी हुई है. और ये देखिए cute cute इस तरीके की chocolates भी है यहाँ पे. So for gifting वगैरह it's very nice. Thank you so much. मैं पहली बार चॉकलेट के लिए इतनी पागल नहीं हूँ ना. शायद मैं चॉकलेट्स के लिए इतनी पागल कभी नहीं हुई. खाने के लिए होती हूँ यस, लेकिन चॉकलेट के लिए कभी नहीं हुई. बट दीज चॉकलेट्स वर अमेजिंग. मज़ा आ गया, मतलब सीरियसली. ओके, द लास्ट फॉर द डे हम लोग आ गए द चीज़ केक फैक्ट्री. यहाँ का चीज़ केक जो है शोएब को बहुत पसंद है. एक्चुअली हम जब फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने यहाँ पे चीज़ केक ट्राई किया था एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो हम जब मुंबई में होते हैं तो हम इसे बहुत याद करते हैं, तो इसलिए शोएब ने बोला चलो दिप्या चीज़ केक खाते हैं. सो ये है जो ओरिजिनल चीज़ केक है वो, और ये है चॉकलेट मूज वाला. दोनों ही बहुत अमेजिंग होते हैं. सो ये था आज का पूरा दिन जो हमने बिताया और बहुत 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 मज़ा आया.